was today I am going to start C or C++ language. So you must know why learn C and C++ language. C is a base language for many programming languages. So learning C as a main language will play an important role while studying other programming languages. C सारी ही languages का base है. अगर आपको C आती है तो आप बहुत सी language अपने आप self study से learn कर सकते हैं, like Java, Python and many more. It shares the same concepts such as data types, operators, control statement and many more. C can use widely in various applications. क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैम आप C पढ़ाइए, तो हम आज C स्टार्ट कर रहे हैं. तो अगर जो इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेगा तो आगे भी वो कंटिन्यू कर पाएगा और C लैंग्वेज सीख पाएगा. There are many jobs available for C developer in current market. और C की बहुत अधिक डिमांड है और इससे आपको current market में बहुत सी job भी मिल सकती है. Where is C used? Key application. C कहाँ use होती है और इसके key applications क्या हैं? C language is widely used in embedded system. Embedded means है कि किसी system के अंदर आप दूसरी चीज आप अपनी इंसर्ट करिए. इट इज यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशन. सिस्टम एप्लीकेशन मीन्स है कि आप अपने खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, सिस्टम डेवलप कर सकते हैं. इट इज वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन. डेस्कटॉप एप्लीकेशन मीन्स है कि ऑनलाइन क्लिकिंग से आप काम कर सकते हैं, जैसे विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भी बहुत सी ऐसे डेस्कटॉप के फैसिलिटीज है जो आप यूज कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस बाय अडोब आर डेवलप्ड यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब अडोब के देखिए बहुत से एप्लीकेशंस है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप किए गए. इट इज यूज फॉर डेवलपिंग ब्राउजर्स एंड देयर एक्सटेंशंस. गूगल्स क्रोमियम इज बिल्ट यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इवन गूगल क्रोम जो है वो सी के प्रोग्रामिंग से डेवलप किया गया है. It is used to develop database. MySQL is the most popular database software which is built in using C. आप अगर कुछ advanced programming करते हो तो MySQL जरूर use किया होगा. MySQL use करके को बनाने के लिए C language ही responsible है. उसमें database, popular database software को C में ही develop किया गया है. It is used in developing an operating system. और ये बहुत से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको डेवलप करने में सी को यूज़ किया. ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज एप्पल ओएस एक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सिम्बियन एंड डेवलप्ड यूजिंग सी लैंग्वेज. इट इज़ यूज फॉर डेवलपर डेवलपिंग डेस्कटॉप एज वेल एज मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम. इसी से आप इसकी पावर समझ लीजिए कि इतने ढेर सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सकता है अगर आपको इसकी अच्छी नॉलेज है तो वो कितनी पावरफुल लैंग्वेज होगी. तो अगर बेस आपका अच्छा है सी लैंग्वेज में तो आप और कोई भी लैंग्वेज इजीली लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा प्रोग्रामिंग का कि इसकी लॉजिक कैसे डेवलप की जाती है. इट इज़ यूज फॉर कंपाइलर प्रोडक्शन. अब इससे बढ़िया बात क्या होगी कि कंपाइलर्स को भी प्रोड्यूस करता है. कंपाइलर क्या होता है? जो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल कर एग्जीक्यूट फाइल में कन्वर्ट करता है. इट इज वाइडली यूज इन IoT एप्लीकेशन. अब ये न्यू टेक्नोलॉजी IoT के एप्लीकेशन में भी इसको यूज किया जा सकता है. तो ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है. इसको यूज करके आप अगर इसकी नॉलेज आपको हो जाती है तो आप बहुत कुछ कंप्यूटर में कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज. अब हम आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दें सी लैंग्वेज का. सी इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची फॉर द यूनिक्स. ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1941 और 2011 तक काम किया इसमें और सी लैंग्वेज को यूनिक्स के लिए डेवलप किया.
In 1972, a great computer scientist, Dennis Ritchie, created a new programming language called C. At the Bell Laboratory, it was created from ALGOL, BCPL and B programming language. ये सारी languages C language से पहले develop हुई थी, जिसका नाम बदलते-बदलते C language हो गया. C programming language contain all the features of these languages and many more additional concepts that make it unique from other languages. और ALGOL, BCPL और भी जो language Bell Laboratory में develop हो रही थी, उसके सारे features लेकर उसने C language, C language में डाला, जो इन तीनों के फीचर से बहुत पावरफुल थी. इट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन PDP-11 और PDP-11 कंप्यूटर में 1972 में सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया. द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्चुअली ऑल यूनिक्स एप्लीकेशंस आर रिटन इन अ सी लैंग्वेज. इट इज आइडियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फर्मवेयर. अगर आप कंप्यूटर में हैं तो आपको फर्मवेयर के बारे में पता होगा कि कंप्यूटर में कई तरह के वेयर होते हैं, जिसमें फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें जो प्रोग्राम को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं और रोम में लिखा होता है. यूजरवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चार पांच वेयर तो हम आपको बता ही रहे हैं जिसको यूज करके हम कंप्यूटर में काम करते हैं और एक दूसरे को डिपेंडेंट होते हैं. ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर राइटिंग सिस्टम फॉर सॉफ्टवेयर और सी लैंग्वेज मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सी इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल टू यूज. इट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट एंड एक्सटेंसिवली यूज टू राइट वेरियस. किसके प्रोग्राम जो होते हैं स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है और कोई भी मशीन डिपेंडेंट नहीं होते. किसी भी मशीन पे आप इस प्रोग्राम को चला सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज एंड मेनी अदर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लाइक ओरेकल डेटाबेस, गिट, पाइथन इंटरप्रेटर एंड मोर. और ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए बनाया गया है, जैसे ओरेकल डेटाबेस, गिट हब और पाइथन और इंटरप्रेटर एंड मनी मोर. सी बेसिक स्ट्रक्चर एंड कमांड. सी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने बताया ना कि सी एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है. तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका ये देखेंगे. फॉलोइंग आर द बेसिक कमांड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी और सी प्लस प्लस ऑलमोस्ट सेम होता है. सी प्लस प्लस में कुछ फीचर्स जो होते हैं वो एडवांस होते हैं सी से, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. सी बेसिक कमांड एंड एक्सप्लेनेशन. प्री प्रोसेसर एंड डायरेक्टिव. सबसे पहले प्री प्रोसेसर और डायरेक्टिव होता है, जिसमें इंक्लूड करते हैं डिफरेंट हेडर फाइल और लाइब्रेरीज को. दिस कमांड इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फ्रॉम द सी लाइब्रेरी बिफोर कंपाइलिंग द सी प्रोग्राम. तो अगर आपके जो कमांड्स पहले से फिक्स हैं सी में, उसको चलाना है, तो आपको उसकी इन बिल्ट लाइब्रेरीज और हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, जिससे कि उस फंक्शन को आप यूज कर पाएंगे जो प्री डिफाइंड है. ग्लोबल डेटा. अब उसके बाद आपके पास डिफाइन करते हैं आप ग्लोबल एक्सटर्नल वेरिएबल, वेरिएबल स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड पॉइंटर. इन सारी चीजों को आप ग्लोबल डेटा डिक्लेरेशन में डिफाइन कर सकते हैं. अब आता है मेन फंक्शन. मेन फंक्शन जो होता है वो इंट मेन फंक्शन करके लिखते हैं, या वॉइड लिखते हैं, या कैरेक्टर लिखते हैं. वॉइड मीन्स होता है कि आप किसी भी टाइप का डेटा ले सकते हैं. इंट मीन्स है न्यूमेरिक रिटर्न होता है. जब भी कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है, इंट इसलिए लेते हैं क्योंकि ट्रू होगी तो वन होगा, फॉल्स होगा तो जीरो होगा. तो इंट हमारा इंटीजर फॉर्मेट है, इसलिए मेन के साथ इंट लेते हैं. इट इज द मेन फंक्शन फ्रॉम वेयर सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिन. तो ये एक मेन फंक्शन होता है सी का, जिसके अंदर सारे और फंक्शंस या स्टेटमेंट या कमेंट्स या प्रोग्राम्स के कमांड होते हैं. इंडिकेट्स. अब मेन के बाद आपका कर्ली ब्रैकेट ओपन आता है, जो बताता है कि मेन फंक्शन आपका
स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं, कमेंट्स लिखने के लिए बैक स्लैश स्टार, उसके बीच कमेंट स्टार और बैक स्लैश लिखते हैं। वट एवर रिटन इन साइड द कमांड इन साइड अ सी प्रोग्राम इट विल नॉट बी कंसिडर फॉर कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। जब भी हम कमेंट लिखते हैं तो वो ये इंडिकेट करता है कि दिस लाइन इज नॉट फॉर कंपाइलेशन। अब उसके बाद हम प्रोग्राम के स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, दिस कमांड प्रिंट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। अब प्रिंट एफ एक कमांड है जो हमारा हेडर फाइल में लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है, तो जब हम प्रिंट एफ यूज करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है जिसमें जो भी हमको लिखना होता है वो विद इन कोट्स विद इन ब्रैकेट जब हम लिखते हैं तो वो और सेमी कोलन से क्लोज करते हैं तो वो स्क्रीन पर दिखने लगता है। गेट सी एच एक ऐसा कमांड है जो एक करेक्टर को स्क्रीन पर से लेता है, इनपुट करता है कीबोर्ड से, तो ये हॉल्ट करने का काम करता है। जो कुछ भी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको देखते रहने के लिए हम गेट सी एच जब लगा देते हैं तो स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है वो आपको दिखेगा। रिटर्न जीरो, नाउ यू हैव रिटर्न जीरो। जब भी फंक्शन मेन बनाते हो तो एंड उसका रिटर्न जीरो या रिटर्न जीरो करने का मतलब है कि फॉल्स हो गई वैल्यू तो वो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। दिस कमांड इज यूज टू टर्मिनेट अ सी प्रोग्राम एंड इट्स रिटर्न जीरो। इट इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ मेन फंक्शन। अब यहाँ पर मेन फंक्शन आपका खत्म हो जाता है। अब आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर आप यूजर हैं और आपको कुछ फंक्शंस अपने डिफाइन करने हैं तो आप अपने फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं जिसमें फंक्शन के अंदर आप लोकल वेरिएबल और स्टेटमेंट देख करके अपने फंक्शन को वर्क करा सकते हैं। सपोज आपने दो नंबर लिए और उसको ऐड डिलीट ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करना है तो चार फंक्शन बन जाएंगे और वेरिएबल तीन बनेंगे और स्टेटमेंट यूज करके हम कैलकुलेशन वन बाय वन फंक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। सी इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज दैट इज व्हाई द सी इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू वेरियस मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मीन्स क्या, सेपरेट पोर्शंस बन जाते हैं जिसमें जाकर हम फंक्शन के थ्रू काम करते हैं। ईच मॉड्यूल कैन बी रिटन सेपरेटली एंड टुगेदर इट फॉर्म अ सिंगल सी प्रोग्राम। और डिफरेंट ये मॉड्यूल मिल करके सी का एक बड़ा प्रोग्राम बनता है। दिस स्ट्रक्चर्स मेक इट इजी फॉर टेस्टिंग मेंटेनिंग एंड डिबगिंग द प्रोसेस। तो इसमें होल प्रोग्राम को टेस्ट या डिबग नहीं करना पड़ता। जिस पर्टिकुलर पोर्शन को आप चेंज करना चाहते हैं उस मॉड्यूल में जाकर आप चेंज कर सकते हैं। C contains 32 keywords, various data type and set of powerful built-in function that makes programming very efficient. अब इसमें बहुत ढेर सारे keyword मतलब जो reserve word होते हैं। अब जैसे printf हम लोग ने use किया था, this is a reserve word और उसको आप as a variable नहीं use कर सकते। अब धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे what is a variable, what is a constant, what is type of variable, type of constant, तो आप धीरे धीरे जानने लगिएगा कि कीवर्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, उसके टाइप क्या है और बिल्ट इन फंक्शंस क्या है। धीरे धीरे सी में सब आप जानने लगिएगा। दैट मेक्स अ प्रोग्रामिंग वेरी एफिशिएंट। अनदर फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग इज दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड इटसेल्फ। एक्सटेंडेड इटसेल्फ मीन्स क्या है, आप अपने मॉड्यूल डिफाइन करते जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शंस को डिफाइन करते जाइए तो आपका प्रोग्राम बढ़ता चला जाएगा। अ सी प्रोग्राम कंटेन्स वेरियस फंक्शन विच आर पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी। वी कैन ऐड आवर फीचर्स एंड फंक्शंस टू द लाइब्रेरी। वी कैन एक्सेस एंड यूज दीज फंक्शंस एनी टाइम वी वॉन्ट इन आवर प्रोग्राम। आप अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं और लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं और उसको टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं। दिस फीचर्स मेक इट सिंपल वाई वर्किंग विद अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग। और ये फीचर्स जो होता है आपके काम को सिंपल बनाता है और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग जो होती है इजिली आप यूज कर सकते हैं। वेरियस कंपाइलर आर अवेलेबल इन मार्केट दैट कैन बी यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज को
कंपाइल करने के लिए बहुत से कंपाइलर मिलते हैं मार्केट में, जिसको आप इस लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज़ अ हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज विच मीन्स प्रोग्राम्स रिटन इन अ सी लैंग्वेज कैन रन ऑन अदर मशीन्स। दिस फीचर इज एसेंशियल इफ यू विश टू यूज और एग्जीक्यूट द कोड ऑन अनदर कंप्यूटर। अब ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होता, पहले भी हमने बताया, तो आप इस प्रोग्राम को अगर exe फाइल बना लेते हैं तो आप किसी भी कंप्यूटर पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर आप इसको कंपाइल करके इसकी exe फाइल बना लेते हैं तो वो कहीं पे भी रन हो जाता है। हाउ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है। C is a compile language. A compiler is a special tool that compiles the program and convert it into the object file, which is a machine readable. After the compilation process, the linker will combine different object files and create a single executable file to run the program. The following diagram shows the execution of C program. अब बहुत से object program मिल करके एक single एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जो हम अपना सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है और ऑब्जेक्ट कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। राइटिंग अ सोर्स कोड, अब सोर्स कोड कैसे लिखते हैं इसको भी हम बताएंगे, कंपाइल कर कैसे करते हैं ये भी बताएंगे। उसके लिए हमें प्रोग्राम सी में लिखना पड़ेगा, जो आज इंट्रोडक्शन में नहीं बता रहे हैं, हम कल इसको बताएंगे कि कैसे प्रोग्राम सी में लिखा जाता है। कंपाइलिंग अ सोर्स कोड, अब सोर्स कोड मतलब प्रोग्राम नेम डॉट सी, सी में कोई प्रोग्राम लिखा और उसको लिंक करके ऑब्जेक्ट फाइल को मशीन लैंग्वेज में exe फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फाइल नेम डॉट सी, फाइल नेम डॉट सी, फाइल नेम डॉट obj एंड फाइल नेम डॉट exe बन जाती है। तो C प्रोग्राम जो होता है सोर्स कोड वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है कंपाइल होकर और फिर लिंक होकर के वो exe फाइल बनाता है। Nowadays various compilers are available online and you can use any of those compilers. The functionality will never differ and most of the compiler will provide the features required to execute both C and C++ program. Following is the list of popular compilers available online. Clang compilers, MinGW compiler, Portable C compiler and Turbo C. हम लोग Turbo C को use करेंगे या Visual Studio में C को हम लोग use करेंगे, क्योंकि Windows version use कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है। समरी में हम आपको बता दें, सी वॉज डेवलप्ड बाई डेनिस रिच इन 1972। इट इज़ अ रोबस्ट लैंग्वेज, रोबस्ट लैंग्वेज मतलब कि स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ अ लो प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज। इट इज़ वाइडली यूज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड। इट इज़ अ प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज। It has a full support of various operating system and hardware platform. Many compilers are available for executing the program written in a C. A compiler compile the source file and generate an object file. Compiler जो होता है source file को compile करके generate करके object file बनाता है, जिसको linking के बाद executable file बन जाती है। A linker links all object file together and create an executable file. It is highly portable means है कि हर मशीन पे आप इसको use कर सकते हैं। So this is all today viewer. A lot of introduction I have given in a C about the C language. If you like this introduction and you want to learn the C language, please share and subscribe my video and give a comment how you find this tutorial. Next I will start how to write the C program and how to run it, how to compile it. So this is all today viewers, thank you. Please subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informa, follow my all social media link, join my telegram channel Tech Ratan, go to the community and comment there. Thank you.